हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे फिर से कुन्ने भी लोग में। और भाई, वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, आप वीडियो ने लाइक कर लो, शेयर कर लो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते, ना ही शेयर करते, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। जिसने सब्सक्राइब रखे अनसब्सक्राइब ना कर दियो, सब्सक्राइब कर लो जिसने ना कराया है। तो भाई, सबसे पहले तो शुरुआत आज 8 बजे रही होगी लोग की, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल में। बच्चों का नाश्ता मैंने बना दिया था और ये अब तक नाश्ता खा नहीं रहे, ये अपने फ़ोन में ही लग रहे। क्योंकि मम्मी आई थी, देखा अपने वीडियो में, तो मम्मी रस बिस्कुट ये चीज़ें लेकर आई थी, तो इन्होंने चाय के साथ सुबह वही ले ली थी। तो कह रहे भूख नहीं है। फिर मैं बोली मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि और सारा काम खत्म हो गया कि किचन का जो काम है वो खत्म हो गया। बर्तन वगैरह सब कर दिया, आटा वगैरह सब सब कुछ रेडी है, बस इनका नाश्ता बनाना। और साफ सफाई तो जीव होगी, जीव नाश्ता करके सब उठ जाएंगे तो साफ सफाई का काम तो जीव शुरू होगा। और मैं सोच रही थी कपड़े धोने की, क्योंकि कपड़े हो रहे बहुत ज्यादा, कल लाइट नहीं आई सारा दिन। और मम्मी भी आई तो मम्मी के भी कपड़े हैं, जो मम्मी की तो हाथ से धोने पड़ेंगे, नए नए सूट है। और कुछ इजी की है, मम्मी की जर्सी सोल ले तो भी हाथ से धोनी पड़ेगी। और लाइट आज फिर मेरे साथ पपट हो गया, ना ये नाश्ता खा रहे और लाइट भी चली गई। तो पता नहीं किस टाइम लाइट आएगी, शायद अगर कल की तरह ना आई तो मैं कपड़े भी नहीं धो पाऊँ। मैं तो कहूँ आज लाइट आ जाए, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे, धोने जरूरी हैं सारे ही कपड़े। और भाई ठंड भी हो रही बहुत ज़्यादा, तो इतने धूप सी भी आ जाएगी और लाइट भी आ जाएगी, इतने में थोड़े घने भी लोग देख लूँ किसी के। और भाई बने रहे भी लोग में, और आज के भी लोग में देखियो क्या कुछ होएगा। ये देखो भाई, अब तक मेरा सारा काम पड़े, मम्मी का बैग खाली करें, कपड़े गेरे मशीन में, और अब तक कमरा भी साफ नहीं करा, बस नाश्ते तक का काम होया। और बाहर का भी देखो सारा काम पड़े, इतने में और काम करूँगी, कपड़े धो जाएंगे, फिर बाद में कपड़े निचोड़ दूँगी, क्योंकि आज देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। और ये घूम रहा है ऐसे फ्री में, मौसम खराब हो रहा है तो इस वजह तक वहाँ धूप आ जाएगी, इतने कपड़े धो जाएंगे, इतने में अपना और काम कर लूँ। बहुत धूंध हो रही आज, तो आज बेडशीट भी चेंज करनी, क्योंकि कई दिन हो गए इस चादर ने भी, तो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो वही फाइनली 11:15 हो गए, और 1.5-2 घंटे लग गए साफ सफाई करने में और काम करने में सारा। और आज बेड पे ये वाली बेडशीट बिछाई, क्योंकि अब सर्दी आ गई तो गर्म बेडशीट बिछाई जाएंगी, तो ये वाली बिछाई थी, वो वाली धोती। और जिसका मैंने इंतजार था, इतना मैंने और काम कराया, और धूप भी आ गई तो सारा काम हो गया। और कपड़े मैंने धो के मशीन में निकल कर रख दी थी, कितना धूप आ जाएगी, क्योंकि मेरा ठंड लग गई, ठंडे पानी में कपड़े निचोड़ूंगी। इतना मना और अपना सारा काम खत्म कर दिया, साफ सफाई का भी और किचन का भी। देखो किचन का भी बिल्कुल सारा काम, बर्तन तो मम्मी ने कर दिए थे और सारी साफ सफाई मैंने कर दी। तो एक कपड़ों का नंबर है, 11:15 हो गए, 12 बजे तक कपड़ों को होएगा, फिर देखेंगे। और अब तो है ना सारा दिन बस बहुत ही छोटे दिन हो, सारा दिन खाने पोने में, कपड़े धोने में ऐसे निकल जाओ, और एक्स्ट्रा काम नहीं कुछ भी कर पाते। फेसबुक पर भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, और ना भी लोग बना और ना ही शॉर्ट वीडियो बना पा रही इंस्टाग्राम की, और ना ही यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो बना पा रही। बस ये भी लोग भी जैसे कैसे करके बना ही रही। तो भाई कपड़े धो लूँ, धूप है कि, और ईब तो नाग अग धूप भी न्याने की, कपड़े सुकण में भी 2-2 दिन लग जाएंगे। अब तक तो है नुआ कि 9-10 बजे धूप निकल गई, 10 बजे निकल गई थी धूप। तो भाई मैं अपने कपड़े निचोड़ दी, फिर आप तो बस फाइनली नहाने के बाद ही मिलते हैं। तो भाई अभी वो थे मम्मी भी और मैं भी फ्री, और हम आज एक जरूरी काम करना। जरूरी काम ये है कि जो मैसो की अग पल्ली अड़ाई थी, पल अड़ाया था तो वो छोटा रह गया, तो उसको और कट्टे लगाने। मम्मी कट्टे दे डेल लग गई, और ही मम्मी वो सिल लेंगे, लग भी गई मम्मी तो मेरे पहले ही तग फंस रहे मम्मी इसमें, मैं काट दूंगी कल फंस के तो मना वाला वर सिमी थी। वो तो उतर कैसे ही सिमता मम्मी, किस तरह पल्लड़ उतर के फिर जोड़ देंगे उसके, है ना? नहीं सीन का फिर जोड़ उसका जोड़ देंगे, आज तो जोड़ना पड़ेगा फिर, है थोड़ा सा ही छोटा रह गया, तो परली साइड तो बस एक लेंस की कसर रह गई है ना, तो नेल लानी पड़ेगी।
और यो अंदरले साइड हो करना पड़ेगा, आते है ना डबल हो जाएगा फिर। हाँ वो तो नू है, फिर यू टर्न की टाल हो जाएगी, पर लानू ही रख जाएंगे। तो भाई धागा फंस रहा था मशीन में और कर दिया ठीक, अब देख के कैसे चलती है। ठीक हो गया और तेल भी डाल दिया और अब यूज करना ये मोटा धागा। और कितने सारे कट्टे सीन ले, ये वाले ये वाले ये वाले, बट एक ही सो रहा। अगर धूप में तो बैठा है गर्मी लग गए, अगर छाँव में बैठे हैं तो ठंड लग गए, तो कन्फ्यूज हो रहे। क्या बनाया जा रहा, क्या बना रहे? चाउमीन। चाउमीन थोड़ी बना कर रहे तिल्ला में कुकर में, वो वाकई में चाउमीन है, ये तो मैगी है। वो बनाई है अच्छा, नमक वाली मैगी, आटा वाली मैगी, आटा मैगी। चल ठीक है बढ़िया, अगर बना दिया। तो भाई मेरी सेवइयां बिल्कुल बनकर रह रही है, पर किसी टेस्ट कर लूँ मैं नमक मिर्च, क्योंकि अभी तो इसमें पानी सा है, टेस्ट हो जाएगी। और बिल्कुल ही मैगी जैसी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी ऐसी लग रही, क्योंकि हमने पहले भी बनाई थी। तो गाइस मैगी बनके हो गई तैयार, सबके लिए है क्या? सबके। चलो तो दे देते हैं भाई सभी को। कौन सा मेसा का? अच्छा मेरा कौन सा लेना है? तो भाई फिलहाल का टाइम हो रहा है डिनर बनाने का, और मैं डिनर की तैयारी कर ही रही थी तो दिवांश के पापा का फोन आया कि मेहमान आ रहा और वो रुकेगा आज ही, तो रोटी बना ली। तो सब्जी की तैयारी मैंने कर ही रखी, आटा लगा दिया, दूध गर्म कर दिया, तो मैंने बनाना है हलवा। बट मैं कन्फ्यूज हो रही, क्योंकि हलवा मैं कभी भी नहीं बनाती, बस एक दो बार बनाया, वो भी किसी मेहमान के लिए नहीं, अपने बस घर के लिए बनाया था। वैसे तो ठीक बन गया था, बट फिर भी जो काम ना करे वो कन्फ्यूज हो रहा है, क्योंकि हलवा परोल ही बनावा और हलवा परोल बहुत बेस्ट बनावा है, तो मैंने टेंशन छोरी कभी खराब ना हो जाए। वैसे तो मैंने परोल पता सीख रखा भाई कैसे कैसे बना, फिर भी बनाने में दिक्कत हो जाए, कच्चा पक्का कई बार मैंने टेंशन छोरी। तो देख लें भाई कैसा बनेगा कैसा नहीं, आप तो भी बता देंगे कि जैसा पार्ल ने मेरे तक बताया था उस प्रकार तो बनाऊंगी, वैसा ही बनेगा या थोड़ा अलग बनेगा। तो देखते रहिए पूरा भी लोग ये जानने के लिए भी। तो गाइज हम जा रहे थे गांव में, दिवांश मेरे गेल था, तो अचानक से मेहमान आ गए हैं, तो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। सामान ले आया था कुछ थोड़ा बहुत, सब्जी वगैरह का नहीं था, पर संजू भी साथ में जा रहा था, हम काम में बिजी थे यहाँ। तो दिवांश मेरे घर जा रहा था, यू सब्जी लेकर ऊपर रख दे, ऊपर बैठे ऊपर ऊपर बना नहीं जाता, बहुत तबीली सत्संग होता है। मैं माँ की चप्पल मिल गई भाई, सत्संग में खूबी थी ट्रैली में वो की उसमें गाड़ी में, मैंने बेरा था 100% मिलेगी, संभाल कर रखी सारे ने चप्पल। अच्छा मैं ही पड़ी थी, तो फायदा हो गया था 100 रुपये का। लो भाई ले आ कापी, एक एक कितनी देनी है, कितनी कितनी देनी कापी नहीं भाई स्कूल की कापी, एक एक तेरी दो है। नहीं चार हैं, चार है हाँ, चार कॉपी हैं, एक तेरी कुछ की, उठ ले सभी तर आराम दो रख दिए, मेरी भी कड़ा है वो भी दे देंगे बाद में। चल मटर ले मैं, आलू तो कर रखे ना, मटर बनाए दे है के मदर दी रही है, दो कटोरी में दूंगा ठीक है। अरे एक बात बता पापा, मैं नहीं वो करूंगा, बर्बाद हो गया रे। क्या बर्बाद है? काला टीका सही काला है तेरा नाम बाला। ला भाई यहां से पापा ले दोनों कटोरी में तेरी, अरे किसकी, अरे इसी में पापड़ होने चाहिए, इसी में पापड़ होने चाहिए हाँ, दोनों ध्यान में बात ध्यान रखनी है ठीक है। गरम 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 उपड़िया सुना के कमरा कबाड़ नहीं खेलने होना चाहिए। चलो भाई दिवांश प्रियांश चलो भाई, और काम कर लो स्कूल का, ले मैं चलवाऊं मटर।
सारी किलो किलो ले आ रही मां किलो का सारी की सारी 30 30 है भाई मैं तो अपनी सब्जी कर क्या है ओ बढ़िया मिक्स कर दिमाग बारे ओ मिक्स दरी चार वक्त चल जाएगी मिर्चियां पांच पतली पतली है सब्जी बड़ी थर पे लगे टाइम ले लिया चूल्हा थोड़ा हो गया भीतर इस दो दिन में भीतर चल रहा काम धूप पड़ने लगी ठंड हो गई बाहर लगा ली कॉपी था ना अपनी नई कॉपी तो सब्जी तो गाइस मेहमानों को खाना खिला दिया इस है मेरी बारी तेरी बारी भी तो सबने खाना खा लिया चैट में रह रहे हो मतलब और मम्मी ने भी नहीं खा ली मम्मी ने मम्मी का मम्मी ने सुबह की मकई की रोटी रखी थी नहीं खाई अच्छा अच्छा तो आलू वगैरह डालेंगे सब्जी सब्जी और दिवांश भी ले गया दिवांश तो वो ले गया दिवांश भी लो गए चलो उरी बुलाऊं उसने भी उरी खा लेगा खावांगे मैं क्या काम कर लिया फिर बाद में खा लिए अच्छा मानता नहीं है बच्चे मैंने दे भाई गए हम तो उरी खावांगे भाई उठी पैदे उसका तो बेड भिजिए मैं तलूगा तो वही हम भी कर लिया भोजन सबने भोजन कर लिया तेरी भी लास्ट रोटी है कुत्ते की है लास्ट कुत्ते की वो है प्योर की कौन लग रही आटा बच गया तो इसके बाद करते हैं हम भी शुरुआत तो अभी मैंने एप्योर तक खाना दे दिया अरे मस्ती के मूड में रह गया चल अभी अरे 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 अभी हैप्पी चल मस्ते मूड में आया दोनों तो हैप्पी हैप्पी खेल लो खेल कर खाओ गेम करो गेम करो गेम खेल लो ये भी है भाई सारी रात बाहर रहेंगे और ओपन कर दिए और जिससे का आवारा पशु वगैरह कोई आवा नहीं है तो उसने फिर यहाँ बाहर निकाल दें खेत है उश 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 हैप्पी उश देखिया चलो फिर बाय गुड नाइट चलते हैं फिर ठीक है खाना खा लिया मस्ती करो बाय 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 बाय